ऑक्साइड परोक्साइड सुपरऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड परोक्साइड सुपरऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड यहां पर हो गया मैंने परोक्साइड और हो गया एक सुपरऑक्साइड। सुपरऑक्साइड ये क्या होते हैं? सुपरऑक्साइड ऑक्साइड परोक्साइड सुपरऑक्साइड क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, -2 हो कहीं पर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, -1 हो तो उसे बोलते हैं परोक्साइड। जब -0.5 हो तो उसे बोलते हैं सुपरऑक्साइड। अब ऑक्साइड जानते हैं, जैसे मेरे यहाँ पर H2SO4 मैं निकालूँ, इसकी निकालूँ मैं तो क्या करूँगा, यहाँ पर सीधे यहाँ पर ऑक्सीजन है पर ऑक्साइड है, यहाँ पर ये क्या है ऑक्साइड। ऑक्साइड यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है वो यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 2x ले लूँगा, यहाँ पर मैं 2 प्लस x इस तरह से निकालूँगा यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन की -2 है तो 8 हो जाएगी, -8 = 0 तो x = 8 - 2 तो यहाँ पर कितनी आएगी 6। सही आ रही है आंसर, सल्फर की 6 होती है +6। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्साइड है। परोक्साइड क्या है, जैसे ले लिया मैंने H2O2 परोक्साइड है, परोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 तो यहाँ पर -1 लोगे 2x - 1 × 2 = 0 तो 2x = ये हो जाएगा -2 = 0 तो x = -2 + 2/2 तो यहाँ पर आएगी +1। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ले लिया मैंने RbO2 रुबिडियम सुपरऑक्साइड, या ले सकता हूँ यहाँ पर पोटेशियम O2 यानी पोटेशियम सुपरऑक्साइड। जैसे यहाँ निकालना है इसकी, मुझे इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक्स मानूंगा, ओ की कितनी यहाँ पर तो माइनस में रहूँगा -0.5 × 2 तो कितनी आएगी 0 तो यहाँ पर जाएगी +1। इस तरह मैं इसकी निकाल सकता हूँ पोटेशियम की, क्योंकि यहाँ रुबिडियम क्या होता है एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप में होता है, +1 होती है इसकी। पोटेशियम निकालूँ, आपने निकाली थी हमने अभी, तो क्या कहूँगा एक्स -0.5 होती है सुपरऑक्साइड की × 2 कर दूंगा = 0 तो यहाँ पर जाएगी +1। तो ये क्या है, ऑक्साइड परोक्साइड और सुपरऑक्साइड होते हैं। क्लियर है?